बस एक ही नाम याद रखिए, मगध ज्ञान केंद्र कोचिंग क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, मगध ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बताने जा रहे हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट। इसमें जो भी नए व्यूअर्स हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो आइए देखते हैं हम क्या कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये एक दूसरा का अपोजिट होता है, क्यूब और क्यूब रूट ये एक दूसरे का अपोजिट होता है। कहने का मतलब कि यदि हम किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं और उसके बाद फिर उसको स्क्वायर रूट करते हैं तो वो एक ही संख्या मालूम होता है। जैसे 8 का स्क्वायर किए तो 64 हुआ, 64 का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो वो 8 होगा। यानी कि स्क्वायर स्क्वायर रूट एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। और ऐसे ही हम यदि इक्वेशन में देखेंगे, इक्वेशन में जब देखते हैं तो स्क्वायर करने पे और स्क्वायर रूट करने पे वो दोनों का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में चेंज हो जाता है। कहने का मतलब कि वो एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। इसी तरीके से आपको याद क्या रखना है कि 25 तक के स्क्वायर और स्क्वायर रूट, 25 तक के स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद होने चाहिए। एक का एक, दो का चार, तीन का नौ, चार का सोलह, पांच का 25, इस तरह से एंड सो ऑन 25 का 625 तक याद होने चाहिए। उसी तरीके से क्यूब रूट आएंगे, क्यूब रूट जो है आपको 15 तक याद होने चाहिए, ज्यादा नहीं, 15 तक क्यूब रूट याद होने चाहिए। ये आपको याद करके रखना है। एक का ये हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में बताएंगे कि इसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो एक का क्यूब 1, दो का 8, तीन का 27, चार का 64, इस तरह से करके आपको 15 तक याद कर लेना है। अब हम देखते हैं क्या कि एग्जैक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना और एग्जैक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट कैसे हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे संख्याओं को स्क्वायर करने पे उसका यूनिट डिजिट क्या आता है और संख्याओं को क्यूब करने पे उसका यूनिट डिजिट क्या आता है। तो एक से लेकर के आपको 9 तक याद रखना है, 0 भी बहुत ना एक याद रखना है ना 0 याद रखना है, 0 का तो 0 ही हमेशा होगा, तो 0 और 1 तो भूल ही जाइए। अब आगे आ जाइए, 2 का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 4 और क्यूब करने पे 8, 3 का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 9 और क्यूब करने पे 7, 4 का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 6 और क्यूब करने पे यूनिट डिजिट 4, 5 का 5 भी भूल जाइए, आपको 5, 1 और 0 कोई परिवर्तन नहीं होता है, 1 का यूनिट डिजिट हमेशा एक ही रहेगा, 5 का यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा, आप 6 भी भूल सकते हैं, 6 का हमेशा 6 रहता है। तो देखिए 4 डिजिट समाप्त हो गया। तो आपको याद क्या रखना है कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 और क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट 8, 3 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट जो है 9 और क्यूब करने पे यूनिट डिजिट 7, 4 का स्क्वायर में 6 और क्यूब में 4, 7 का स्क्वायर में 9 और क्यूब में 3, 8 का स्क्वायर में 4 और क्यूब में 2, 9 का स्क्वायर में 1 और क्यूब में 9। यानी किसी भी संख्या का जब हम स्क्वायर या क्यूब करते हैं तो वो उसका यूनिट डिजिट क्या आता है ये देखना है। तो कहने का मतलब कि क्यूब रूट और स्क्वायर रूट जब हमको निकालना है, ध्यान से देखना है कि जब हमको क्यूब रूट और स्क्वायर रूट निकालना है तो क्यूब रूट निकालना, क्यूब जो होता है किसका है, क्यूब रूट का ऑपोजिट, यानी कि ये जो संख्या है किसी संख्या का क्यूब है, किसी संख्या का क्यूब करके ये लाया गया है और क्यूब रूट करके हम उसको ले जाएंगे। ये संख्या किसी का स्क्वायर करके लाया गया है, यानी कि यहां हम स्क्वायर करके यूनिट डिजिट लेंगे, यानी कि किसका ये स्क्वायर करने पे यूनिट है और किसका क्यूब करने पे ये यूनिट है। ध्यान देने वाली बात, जब क्यूब रूट निकालना है तो 3 अंकों के बाद सेग्रीगेट कर लेना है और जब स्क्वायर रूट निकालना है तो 2 अंकों के बाद सेग्रीगेट कर लेना है। क्यूब रूट में 3 अंकों के बाद सेग्रीगेट कर लेना है और स्क्वायर में 2 अंकों के बाद। अब देखना क्या है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसको क्यूब करके 9 आएगा, तो कौन सी संख्या है क्यूब करने पे 9 आता है, तो 9, यानी कि 9 का जब हम क्यूब करेंगे तो वो संख्या 9 आएगा। अब आगे देखना है इसमें क्या स्क्वायर वाले में कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगा,
तो वो या तो 1 होगा या तो 9 होगा। ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है क्या कि क्यूब रूट में आपको एक ही संख्या हमेशा आएगा, जबकि स्क्वायर रूट वाले में 2 संख्या आएगा। अब क्या करना है, इसके पास का स्क्वायर नंबर और इधर क्या है इसके पास का क्यूब नंबर, दोनों हम इकट्ठा इसलिए बता रहे हैं कि याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। 24 के पास का क्यूब नंबर, 24 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए 3 का क्यूब नंबर जो होता है, 3 3 9 27, तो 3 नहीं होगा, यानी कि क्या होगा 2 का क्यूब करने पे क्या होगा 8, और 3 का क्यूब करने पे क्या होगा 27। तो 24 से ये ज्यादा हो गया इसीलिए ये नहीं होगा, यानी यहां पर हम संख्या कौन लेंगे 2, और इधर से संख्या लेंगे कौन 9, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो 29 होगा। याद कर देख लेंगे, 8 के पास का स्क्वायर नंबर, तो 8 के पास का स्क्वायर नंबर 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, यानी हमको 2 इधर से लेना है और अब इधर 1 या 9 इस पर डिसाइड करना है। तो 2 को 1 बढ़ा करके गुना कर देंगे, 2 3 6। याद क्या रखना है कि ये संख्या यदि इससे बड़ा होकर के आ जाए, ये संख्या इससे बड़ा होकर आ जाए तो इधर से छोटा वाला लेंगे, लेकिन ये बड़ा होकर नहीं आया है इसीलिए इधर से हम बड़ा वाला लेंगे, यानी ये 29 होगा। इसको हम करके देख लेते हैं, 9 का क्या हो जाएगा 3 जी और 7, 3 का स्क्वायर करेंगे तब भी 9 होगा, और 7 का स्क्वायर 18 के पास का स्क्वायर नंबर, 18 के पास का स्क्वायर नंबर 4 4 16 और 5 5 25, यानी 5 नहीं होगा, 4 4 16, और 4 को 1 बढ़ा करके गुना कर लीजिए क्या हो गया 20। अभी देखिए 18 से ये 20 बड़ा हो गया, यानी कि ये वाली संख्या में छोटा वाला, यानी इसका आंसर हो जाएगा 43। इधर देख लेंगे कि 7 7 किस संख्या का क्यूब करने पे यूनिट डिजिट 7 आएगा, तो 3 का क्यूब करने पे यूनिट डिजिट 7 आएगा। अब 79 के पास का क्यूब नंबर, क्यूब नंबर कौन होगा आप देख लीजिए, 4 का 4 4 16, 5 25 6 7 लिखिए, ये ज्यादा हो जाएगा 6 6 36, 6 भी ज्यादा 5 4, अब मान के चलिए 4 4 16 4 64, 4 का क्यूब जो है आपका 64 हो जाएगा। इट मीन्स ये इधर से 4 है इधर से 3, ये आपका। तो देखिए कि हम क्यूब निकालने में क्या है कि आपको आसान है, यूनिट डिजिट डिसाइड कीजिए और इसके पास का क्यूब नंबर डिसाइड कीजिए, आपका क्यूब रूट बनकर के तैयार। लेकिन स्क्वायर रूट में यूनिट डिजिट डिसाइड करने के लिए आपको इधर भी डिसाइड करना पड़ेगा कि जो डिसाइडेड संख्या उससे 1 बढ़ा के गुना करेंगे, यदि ये प्रोडक्ट बड़ा आ जाए, जैसे इसमें आ गया था बड़ा, 18 से बड़ा आ गया था तो ये छोटा वाला, और यदि छोटा में तो याद ही नहीं रखना है, सिर्फ बड़ा वाला में याद रखना है क्या कि यदि ये संख्या प्रोडक्ट जो है बड़ा आ जाए तो इधर से हम छोटा वाला लेते हैं। आप ऐसे प्रैक्टिस करिए, लेकिन ये किसका क्यूब निकलेगा जो एग्जैक्ट एग्जैक्ट क्यूब नंबर हो और एग्जैक्ट स्क्वायर नंबर हो, उसके लिए ये ट्रिक काम करेगा। यदि डिफरेंस थोड़ा सा भी डिफरेंस होगा तो उसमें ये एग्जैक्ट वाली रूल नहीं काम करेगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मगध ज्ञान केंद्र पर बने रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस चैनल को फैलाइए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछना हो तो 9530906969 पे आप संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।